चलिए दोस्तों, आज बताता हूँ कि इफ़ फार्मूला का सबसे बेस्ट एग्जांपल। यहाँ पर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। इफ़ फार्मूला आप कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ, किस किस कंडीशन, यहाँ भी यूज़ करके बताऊँगा, यहाँ कुछ अलग तरीके से यूज़ करूँगा और यहाँ पर अलग, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो। जैसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे कुछ भी प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा तो ऑलरेडी यहाँ पर वन आना चाहिए मेरे को, ऐसे बार बार इसमें वन टू नहीं। तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ, तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट फटाक से बना देता हूँ, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर से जाऊँगा डेटा में, जाऊंगा डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पर इसके लिए वीडियो। अब यहाँ पर मैं डाल देता TMT सरिया कॉमा सीमेंट कॉमा वाइट सीमेंट, उसके बाद क्या करूँगा इसको ओके कर दिया। यदि इसके मैं क्या करूँगा, पकड़ के खींच दूँगा ऊपर से नीचे, ये सब में ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया। जैसे यहाँ पर खोलूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं जैसे इसको ऐसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ऑलरेडी वन लिखाना चाहिए, यहाँ टू सीरियल नंबर है, तो ऑटोमेटिकली कैसे लिखाएगा अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल टू दबाऊँगा IF इफ़, उसके बाद क्या करूँगा ब्रेकेट कर दूंगा, उसके बाद ये देखिए यहाँ लॉजिकल टेक्स्ट, लॉजिकल टेस्ट में क्या लूँगा, जिसमें ये वाला कॉलम ले लूँगा, इक्वल टू ले लूँगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है मेरे को, यहाँ पर मैं चाहता हूँ अगर ये वाला कॉलम ब्लैंक ब्लैंक रहे तो ये वाला भी ब्लैंक रहे, तो यहाँ पर अगर ब्लैंक है तो ये वाला भी कॉलम ब्लैंक रहे, अदरवाइज वन लिखा जाए, अगर कॉलम ब्लैंक नहीं रहे तो वन लिखा जाए। तो ब्रैकेट बंद कर दूंगा और यहाँ से इंटर कर दूंगा। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर दूँगा TMT झड़िया, यहाँ वन आ गया। यहाँ पर अगर मैं करता हूँ सीमेंट करता हूँ, तो अब क्या करना है, यहाँ पर तो नहीं आ रहा था। अब मैं यहाँ पर वही इफ फार्मूला का फिर से, अब एक जैसे IF दबा दिया, ब्रैकेट क्लोज, लॉजिकल टेस्ट क्या करूँगा सेम यहाँ वाला, और इक्वल टू दबा दूँगा, क्या करूँगा ब्लैंक डबल स्कोर कॉमा फिर से डबल स्कोर। अब ये क्या बोल रहा है, C12 में इस वाले कॉलम में अगर ब्लैंक रहेगा तो ये वाला अपना सीरियल नंबर वाला भी कॉलम ब्लैंक रहना चाहिए, और या तो अगर तो वो ब्लैंक नहीं है तो हमको वहाँ पर वन मिलना चाहिए मतलब। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज, अब मैं क्या करूँगा वन आएगा, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पर टू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये देखिए अब यहाँ पर मैं कर दूँगा एक की जगह क्या कर दूँगा, ये वाला कॉलम प्लस वन कर दूँगा, ये देखिए टू। अब मैं इसको पकड़ के नीचे तक खींच दूँगा, ठीक खींचा गया। अब जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ वाइट सीमेंट, तीन आ गया, देखिए वहाँ पर डालूँगा TMT सड़िया वन आ गया, यहाँ पर डालूँगा सीमेंट आ गया। तो इस तरह यहाँ पर करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी यहाँ पर से, और इसको भी यहाँ पर से डिलीट करता हूँ। यहाँ पर आएगा SGST, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब मैं एक इनवाइस है मेरे पास, एक टैक्स इनवाइस है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर लोकल स्टेट है, यहाँ पर क्या दो है, इंटर स्टेट और लोकल स्टेट। अगर आप अकाउंटिंग जानते होंगे तो जानते होंगे इंटर स्टेट क्या होता है, GST में दूसरे स्टेट से माल परचेज खरीद करना, और लोकल मतलब सेम। तो यहाँ मैं अगर चेंज करूँ तो क्या होता है, आपको टैक्स के बारे में पता होगा, तो यहाँ पर अगर मैं इंटर स्टेट करूँगा तो सिर्फ IGST होता है, CGST इंटर स्टेट होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। और अगर मैं इसको क्या दूँ लोकल स्टेट सेम, तो हमको दो टैक्स लगता है, CGST और SGST। तो मैं किसी एक टाइम में कोई एक कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे मैं लोकल लूँ तो ये दोनों आ जाए, और अगर मैं यहाँ पर इंटर स्टेट लूँ तो IGST आ जाए। तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर फार्मूला लगा दूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा यहाँ पर लगाऊँगा फार्मूला, अगर यहाँ इंटर स्टेट है तो क्या IGST आना चाहिए। तो इक्वल टू दबाऊँगा इफ़ फार्मूला, इफ़ को दबा दूँगा और उसके बाद डबल टैप, अब लॉजिकल टेस्ट क्या करूँगा ये इक्वल टू क्या दबाऊँगा डबल स्कोर में कैसे लिख दूँगा इंटर स्टेट डबल स्कोर क्लोज अब कॉमा।
अगर यहाँ इंटर स्टेट लिखा रहेगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, IGST आना चाहिए, कॉम डबल स्कोर के साथ ही लिखते हैं कोई भी वर्ड को, डबल स्कोर IGST और डबल स्कोर क्लोज, तो क्या आना चाहिए, IGST, अदरवाइज डबल स्कोर या तो ब्लैंक आना चाहिए। तो मैं ये लॉजिकल लगा दिया। और यहाँ पर देखिए, अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए लोकल स्टेट करो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ये देखिए यहाँ ब्लैंक हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ कर यहाँ रहा हूँ, यहाँ पर इफेक्ट है, जैसे इंटर स्टेट करूँगा फिर आ गया ये सब। अब इसमें क्या करूँगा, मैं लोकल स्टेट सेलेक्ट करूँगा तो ये वाला आना चाहिए, ये हट जाना। तो चलिए यहाँ पर भी फार्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू IF इफ लॉजिकल टेस्ट सेम इक्वल टू, यहाँ पर डाल देता हूँ लोकल स्टेट, इसको क्या है डबल स्कोर में लिखना रहता है यहाँ भी और शुरुआत में भी यहाँ भी। फिर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कॉमा फिर क्या करूँगा, अगर लोकल स्टेट यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ तो CGST आना चाहिए, CGST, इसको भी डबल स्कोर में लिखना रहता है, डबल स्कोर CGST और डबल स्कोर कॉमा, अदरवाइज नहीं होगा तो ब्लैंक आना चाहिए, ब्लैंक इंटर। ये देखिए यहाँ भी कर दूंगा इक्वल टू IF इक्वल टू, अब यहाँ लोकल स्टेट को भी डबल स्कोर में लिखना रहता है यहाँ पर से, कॉमा SGST डबल स्कोर फिर कॉमा, अगर कॉमा या तो फिर यहाँ पर अगर SGST नहीं आया तो क्या आना चाहिए, ब्लैंक आना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखिए, अब देखिए यहाँ चेंज करूँगा तो लोकल स्टेट करता हूँ तो ये दोनों आ गया, ये गायब हो गया, और इसको करूँगा तो इंटर स्टेट ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अगर मैं इंटर स्टेट करूँ तो IGST आए और टैक्स वैल्यू मेरे को जुड़ जाए, सपोज़ मेरे को कौन बिना टैक्स का वैल्यू मेरे को 500 है और यहाँ पर ग्रैंड टोटल 600 है, मतलब 100 रुपये टैक्स लगा। तो यहाँ पर अगर मैं इंटर स्टेट तो IGST के सामने क्वांटिटी आ जाए और ये गायब हो जाए, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा मैं इक्वल टू इफ लगाऊंगा, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट क्या है ये है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगर ये है यहाँ पर, अगर यहाँ पर ब्लैंक है, अगर यहाँ पर ब्लैंक है तो कॉमा, तो ब्लैंक आना चाहिए, अदरवाइज क्या आना चाहिए आपका ये माइनस ये ब्रैकेट क्लोज इंटर, और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना है और एक लास्ट में ब्रैकेट, देख लेता कहीं पर कुछ गलती हो रहा है यहाँ पर से, देख लेते हैं यहाँ पर से क्या गलती कर रहा हूँ, हम यहाँ पर ये गलती कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं, यहाँ इक्वल टू अगर यहाँ पर IGST हो, इफ अब यहाँ पर क्या करूँगा, IGST है तो यहाँ पर से मैं क्या करूँगा इक्वल टू डबल स्कोर कॉमा डबल स्कोर कॉमा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं इसको माइनस कर दूँगा इससे, तो हमारा क्या टैक्स वैल्यू निकल जाएगा। ये देखिए, जैसे मेरा अमाउंट विदाउट टैक्स 500 है, जिसमें से अब IGST जोड़ के 600 का, तो यहाँ पर निकल गया 100 रुपये,
तो दोनों करके 600 रुपये यहाँ पर आ गया। अब दिखता हूँ यहाँ पर सिर्फ CGST इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।